तक मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर, गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीर से आतंक का सफाया करने की बागडोर थाम ली है। केंद्र सरकार कश्मीर में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने खुद कमान संभाली है। खबर यह भी है कि अजीत डोभाल कश्मीर गए, वहां के टॉप अफसरों से उन्होंने बातचीत की। इंटेलिजेंस इनपुट ये भी आ रहा है कि कश्मीर में आतंकी संगठन बड़े हमले की तैयारी में है और इसके बाद एजेंसियां एक्शन में है। 10,000 अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती उसी प्लान के हिसाब से की गई है। आज ही एनआईए ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला में 4 ठिकानों पर छापामारी भी की है। तो केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में पैरा मिलिट्री की 100 अतिरिक्त कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है। ये फैसला आतंक पर करारा प्रहार है और इसी के मकसद से लिया गया है, लेकिन इसे लेकर भी कश्मीर की सियासत गरमाई हुई है। कश्मीर घाटी में चप्पे चप्पे पर पैरा मिलिट्री तैनात। पैरा मिलिट्री की 100 कंपनियों की तैनाती का फैसला। 10,000 जवान करेंगे घाटी में आतंकी साजिश नाकाम। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती के मोदी सरकार के फैसले पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। पीडीपी सुप्रीमो और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने घाटी में पैरा मिलिट्री की बड़े पैमाने पर तैनाती के फैसले पर सवाल उठाया। ये ठीक नहीं है, इससे लोगों के दिलों में बहुत ही जो है शकूक पैदा हुए हैं और जम्मू कश्मीर एक सियासी मसला है, इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। इसमें जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, पाकिस्तान को भी जब तक इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो खाली ये जो फौज के बलबोते पे या सिक्योरिटी फोर्सेस के बलबोते पे जम्मू कश्मीर में आप आर्जी तौर तो अमन कायम कर सकते हैं, मगर देर पर अमन के लिए मसले कश्मीर को हल करना बहुत जरूरी है। दूसरी ओर आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में उतरे जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के कर्ता धर्ता शाह फैजल ने केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया। घाटी में अचानक सुरक्षा बलों की 100 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती के गृह मंत्रालय के फैसले से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कोई नहीं जानता कि ये तैनाती क्यों की जा रही है। ऐसी अफवाहें हैं कि घाटी में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या अनुच्छेद 35A को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि इतनी जल्दबाजी क्यों है। मोदी सरकार की कश्मीर में पैरा मिलिट्री के 10,000 जवानों की तैनाती के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के सियासी अखाड़े की पार्टियों ने अपनी अपनी राजनीतिक जमीन के हिसाब से मोर्चा संभाल लिया है। कुल मिलाकर के ये गृह मंत्रालय का डिसीजन है कि वहां पर फोर्सेज लगाई जाए। ये किस आधार पर कह रहे हैं? डर तो उनको लगना चाहिए जो गलत काम करते हैं। इनको क्यों डर लग रहा है? कश्मीर के लोगों से मेरी बात हुई है, खुश हैं लोग कि यहां पर माहौल सुधर रहा है। पिछले 2019 में चाहे वो JKLF है, चाहे जमायत है, चाहे कुछ मदरसाज हैं और हुर्रियत से जो सिक्योरिटी वापस लेना, उन पर बैन लगाया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है। बीजेपी की दलील है कि बड़े पैमाने पर पैरामिलिट्री जवानों की तैनाती से सूबे की कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी। पीडीपी पूछ रही है आखिर इतनी तादाद में पैरामिलिट्री के जवान घाटी में क्यों तैनात किए जा रहे हैं? सबके अपने अपने सुर और अपनी अपनी राजनीति है। दरअसल सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकी बौखलाए हुए हैं। घाटी से आतंकी संगठनों के ज्यादातर बड़े कमांडरों का सफाया हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि हिंदुस्तान की जश्न आजादी यानी 15 अगस्त के मौके पर आतंकी कोई बड़ी साजिश कर सकते हैं, जिसे नाकाम करने के लिए केंद्र सरकार ने घाटी में 10,000 अतिरिक्त पैरामिलिट्री जवानों की तैनाती का फैसला किया है। आज तक ब्यूरो। तो कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती पर सरकार और विपक्ष की